अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हियर विद अनदर एपिसोड ऑफ मसाला टॉक्स लॉकडाउन मोड। और मेरे साथ सब मौजूद हैं बिलाल अब्बास। बहुत सारी लड़कियों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं बिलाल अब्बास, और आज हम उनसे बात करेंगे कि वो ये सब जब होता है तो कैसा महसूस करते हैं। क्रेजी फैंस, गुड फैंस, बैड फैंस, जर्नी एज एन एक्टर, चीख, प्यार के सदके और अंग्रेजा, ये सब कुछ बिलाल की इस वक्त पेंडोरा में है। और आज हम ये सारा पेंडोरा खोलेंगे और आज हम बिलाल से कुछ सख्त और कुछ क्यूट सवालात करेंगे। क्या ख्याल है बिलाल? आप गेम ऑन? Bring it on, awesome. अच्छा बिलाल, शुरू शुरू तो आप मुझे ये बताएं कि शुरू कहाँ से हुआ? वैसे तो मैं, एक बड़ा सीरियस सवाल है कि जी कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, लेकिन ये बताएं कि कोई कीड़ा था, क्या था, कॉपी करते थे? शादियों में होता ना, बच्चों को कहते चलो बेटा फिलहाल की एक्टिंग करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, नाराज होके दिखाओ तो खुश होके दिखाओ, तो ये कभी बचपन में कहते थे लोग या आपको खुद से था कि नहीं यार मैं जरा शादी में कहीं आ गया हूं तो मुझे मौका मिल गया अपना हुनर और जोश दिखाने का? I always wanted to be an actor right from the beginning. बचपन से मुझे शौक था, मगर मुझे ये सोच नहीं थी कि मैं इस फील्ड में आना है, कैसे आऊंगा। एंड मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये जो लोगों को अक्सर नहीं पता, माई फादर वॉन्टेड मी टू बिकम एन एक्टर। हम तीन भाई हैं और वो चाहते थे कोई एक बेटा एक्टर बने, बिकॉज व्हेन ही वाज यंग he wanted to be an actor but वो नहीं बन सके। So एक उनकी डिजायर थी कि कोई एक एक्टर शैक्टर बन जाए। वो एक्टर लव्स नहीं यूज करते थे, वो कहते हीरो। ओ हीरो, हीरो बन गया, हीरो तो बन गया। So I always wanted to be an actor and थिएटर वगैरह मुझे एक्टिंग का शौक था हमेशा से, बट इसीलिए मैंने स्टार्ट से थिएटर किए फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके काम। अच्छा तो अच्छा, वहां से उसके बाद पहला ड्रामा बताएं, पहला एक्सपीरियंस बताएं कि जी सेट पे गए हैं और अब एक्टर बन गए हैं, और लेट्स से चलो थिएटर तो हम अपने शौक के लिए भी करते हैं, लेकिन प्रॉपर कोई बड़े चैनल के लिए जो ड्रामा किया हो, तो क्या लोगों ने आपको कुछ ट्रोल किया या लोगों ने रियल लाइफ में कहा अरे यार ये बच्चा है इसको क्या समझाएं? लेकिन ऑब्वियसली माशाल्लाह यू आर सो टैलेंटेड, तो कभी किसी ने हल्का लिया हुआ आपको के यार अच्छा ये तो बच्चा है, लेकिन फिर जब आपने एक्टिंग के अपने चॉप्स दिखाए तो लोगों ने कहा वाह जी तो छा गया लड़का? नहीं, काफी लोगों ने हल्का लिया था, ऐसा नहीं है। ओहो नाम ले ले जरा, नाम ले ले, तीन चार तगड़े किस्म के नाम किसी का नहीं दूंगा, बट ऑनेस्टली आई थिंक हर एक्टर के साथ होता है जब आप कोई काम करना स्टार्ट करते हैं, किसी भी फील्ड में, और किसी भी जगह पे होता है कि कुछ लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपकी पोटेंशियल को कुछ डाउट करते हैं कि आप में वो स्पार्क नहीं है, वो क्राफ्ट नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है कि आप कुछ एक्सीड कर सको। सो मेरे साथ भी रहा था, बट अल्लाह हैज बीन काइंड, मुझे बहुत अच्छे स्टेज पे बहुत जल्दी मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल गए, मुझे अच्छे डायरेक्टर के साथ एक अपॉर्चुनिटी मिल गई काम करने को, एंड आई वॉज वेरी लकी टू हैव सम रियली गुड एक्टर्स विद मी ऑपोजिट मेरे ड्रामो में। सो मुझे इतनी कोई मुश्किल पेज नहीं आई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जितना अमूमन मैं अब देखता हूँ, अब जो मैं देखता हूँ, जो नया लॉट जो आ रहा है, नया, मैं भी नए लॉट में से ही हूँ, मगर जो और जो इतना नहीं था, आप थोड़े से मतलब थोड़ा सा ऊपर आ गए हैं। जब मैंने आपसे एक दफा बात की थी, जब आप आई थिंक यू वर डूइंग रस्म दुनिया एट द टाइम, तो उस वक्त आपको फ्रेश फेस कहते थे, अब आपको फ्रेश फेस नहीं कहते, अब आपको हिट एक्टर कहते हैं, आप अग्री करते हैं? अल्लाह इज बीन काइंड, और डिप्लोमेट है आप बिलाल, मैं नोटिस कर रही हूँ ये चीज। मुझे अपनी तारीफें करना टू बी ऑनेस्ट अच्छा नहीं लगता, लड़कियां जो कर देती हैं। आपकी फीमेल फैंडम बहुत बड़ी है, आई एम टेलिंग यू इट्स क्रेजी। एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ द I think I had posted something about you and I had written that, you know, oh my God, she was so great in Cheekh and you were amazing in Cheekh. So I had all the fans that had come in and I was like, oh my God, this is crazy. So jab mujhe, maine ek post dali to itna crazy tha, aapko kaisa lagta hai? Honestly, I don't know. I'm still struggling. It's been 5 years I've been working aur main aaj tak struggle kar raha hu. Learning how to deal with it. मुझे नहीं, मैं थोड़ा awkward हो जाता हूँ, मेरी personality ऐसी नहीं है, मैं थोड़ा ज़्यादा attention मुझे अगर मिले, और अगर बहुत ज़्यादा female attention एक साथ मिल रही हो, तो उस time पे I don't know how to react. तो वो, do you panic? What is the worst thing you've done? नहीं, मैं panic नहीं करता. अच्छा, but you take अंदर से feel करते हैं. इतने बुरे हाल नहीं है मेरे से, but manage होता है. But वो उस मुझे I just don't understand कि मैं क्या react करूँ. Obviously, apart from saying thank you means a lot,
आप और क्या बोल सकते हो. अच्छा, what is the weirdest compliment? Weirdest compliment. I'm not saying the best, but like the weirdest compliment you've got. You'd be like, यार ये क्या compliment था? दिया किसने compliment के तौर पे? I think वो मुझे एक मुझे lashes को मेरे किसी ने कहा था कि आपकी lashes असली हैं या नकली हैं. मैंने कहा था मेरी lashes नकली क्यों होंगी, ये असली हैं. तो क्योंकि लोग कहते हैं लोग नकली तो बहुत बड़ी हैं. हाँ जी. क्योंकि लोग जो है वो नकली लैशेस लगाते हैं. और आई थिंक अब हजरात ने भी शुरू कर दिया. अब तो खावतीन करती हैं लेकिन अब तो हजरात ने भी गालिबन शुरू कर दिया. हजरात करते होंगे मगर मैं उन हजरात में से नहीं. अच्छा, आप उन हजरात में से नहीं है. अच्छा, ओके. अच्छा, बट देन व्हाट इज द लाइक द स्वीटेस्ट इंटरेक्शन फैंस जब कुछ करते हैं, जब आपको लगता है यार ये बहुत स्वीट चीज थी, और यू नो जब आपको यू नो योर हार्ट काइंड ऑफ गोज आउट टू देम कि यार इतनी मेहनत, अब बहुत मेहनत करते हैं फैंस. मैंने देखा है आपके फैंस हैं, सजल के फैंस हैं, आहत के फैंस हैं, माहिरा के फैंस हैं, तो ये सबा में सबके जो फैंस हैं वाकई बड़े डेडिकेटेड किस्म के लोग होते हैं. Obviously, it feels good. मैं बहुत बहुत अच्छा, बहुत overwhelmed feel करता हूँ. But and most importantly, मैं social media पे इतना active नहीं होता हूँ. तो अब जब मैं देख रहा होता हूँ वो जो आपकी ये fan pages वगैरह जिसकी आप बात कर रही हैं, वो जो VMs और वो जो pictures वगैरह, I think मैंने वो देखी है. मैं सोचता हूँ उसमें बड़ी effort लगती होगी बनाने में. और जो भी seriously, उनका प्यार है for me और किसी भी actor के लिए, और I think इसको appreciate करना चाहिए. और ये बहुत बड़ी बात है. मैं actors का fan रह चुका हूँ मगर मैं कभी भी ये नहीं करता. और मैं fan हूँ बहुत से actors का मगर मुझे पता है मैं time निकाल के I won't do it. अच्छा, अगर कोई और time निकाल के कर रहा है आपके लिए so ये बहुत बड़ी बात है. अच्छा ठीक है. अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपके आपका एक एक बॉडी ऑफ वर्क अब बन गया है, और मैं यही आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं एक वक्त आपसे मैंने बात की थी जब आप बडिंग स्टार थे, एक दो ड्रामे शायद आपने किए थे, रंगजीजा शुरू होने वाला था या हो चुका था कुछ इस टाइम के ऊपर बात की थी. और मैंने आपको सब भी कहा था कि मैं रंगरेजा में मैं आपकी फैन हो गई थी. आई मीन नॉट सो मच इन रस्मे दुनिया एज मच एज आई वाज इन औरंगजेजा. बहुत खूबसूरत प्ले था सज्जल एंड माने जज, एवरीबडी वाज फैंटास्टिक. What is something that you remember the most from Rangreza? कोई ऐसी चीज, कोई मजेदार या सैड या अच्छी या बुरी या कोई भी चीज, मेमोरी ऐसी आपकी और Rangreza से रिलेटेड हो? Rangreza, I've been shot Rangreza in Lahore, और ये हमने कुछ I think 6-7 महीने तक इस प्रोजेक्ट को हमने शूट किया था, एंड मैंने बहुत एंजॉय किया था ओवरऑल एक्सपीरियंस. I was very excited to work with Kashif Nisar, जो प्ले के डायरेक्टर हैं. मुझे आई वॉज अ वेरी बैड एक्टर जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था. मैं अगर आप जो तारीफ कर रही हैं एक्टिंग की, मैं बहुत बुरा एक्टर था. नहीं, मेरे शुरू के काम उठा के देखे मुझसे. No, I think you're being too hard on yourself. You're just, I think you. अच्छा चलो ठीक है, let's not go there then. Oh my god, you really are awkward. Oh my god. I'm trying to praise your work. I'm not praising eyelashes, Bilal. नहीं, मैं honestly बात कर रहा हूँ. अगर आप मेरा, आपने शायद रस्मे दुनिया रंगरेजा देखा है, उससे पहले का आपने काम नहीं देखा है. अगर आप उससे पहले का काम उठा के देखे, you will understand. Okay. वो, and मैं बहुत, I'm not being hard on myself. एक generally बात कर रहा हूँ कि मुझे काशिफ सर ने when I joined him रंगरेजा के सेट पे, so he taught me a lot. तो एक वो बहुत अच्छी मेमोरी है कि वो उन्होंने मुझे एज एक नए बच्चे को ट्रीट नहीं कर रहे थे कि यार तुझे इस तरह करना है, ये शॉट है, इसको ये एक्सप्रेशन देना. He was very helpful. And working with Numan Ejaz, Sajjal, I think ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात थी उस टाइम पे टू वर्क विद दीस टू हु आर इमेंसली टैलेंटेड. और आज भी इनका बॉडी वर्क अगर उठा के आप देखें, इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग. और बहुत अच्छा काम है. और मेरी बहुत सी मेमोरीज रही है, मेरी बहुत अच्छी दोस्ती रही है सबके साथ. मुझे एक जो फन मेमोरी जो मुझे याद रहती है, जो सज्जल जो मुझे, हम जो सीन्स क्या करते थे, सस्सी कासिम को मारती थी, फिर रिमेम्बर आपने कर ऑफ कोर्स यस. तो वो कासिम जो जिस तरह डरता था, बस वो सस्सी का जो रिएक्शन होता था, आई थिंक वो हमें करते हुए हमें बड़ी मुश्किल होती थी. बड़ा बड़ा मजे का वक्त गुजरा है ओवरऑल. अच्छा ये बताओ कि आपके जो चीख में जो आपका रोल रहा, प्यार के सदके में भी आप डिफरेंट रोल कर रहे हैं, आप एक अच्छे एक्टर हो, और अच्छे एक्टर्स के साथ अक्सर ये होता है कि उनको टाइपकास्ट भी कर दिया जाता है बहुत जल्दी, और ये ब्लेसिंग भी है कर्स भी है, दोनों चीजें हैं. तो मेरे सवाल के दो पहलू हैं. पहला पहलू तो ये है कि जब आपके सामने स्क्रिप्ट आती है तो आप क्या करते हैं, आप
कोशिश करती हूँ कि यही होता होगा ना कि अच्छा यार ये नेगेटिव एक्टर अच्छा है तो उसको नेगेटिव रोल दे दो, वजी जैसा रोल दे दो, कासिम जैसा रोल दे दो, अब आप अब्दुल्ला कर रहे हैं तो अब्दुल्ला जैसे लोग भी आपको मतलब स्क्रिप्ट्स में आ रहे होंगे कि यार अच्छा यार बिलाल ये वाला करके देखो. एंड आई नो कि आपकी चॉइसेस बहुत डिफरेंट रहती हैं, तो आप कैसे चूज करते हैं, पहला तो सवाल ये है. और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जब आप चाहते हैं कि मैं एक कैरेक्टर बनाऊं या मैं एक अब्दुल्ला देख रहा हूँ या मैं वजी देख रहा हूँ, तो वो किसके ऊपर मॉडल करते हैं, आपका प्रोसेस क्या है किसी किरदार को समझने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, और उसमें दूसरों का कितना इनपुट होता है, आपके डायरेक्टर का या आपके शो रनर का, यार ये नहीं मुझे ना ये शाहरुख खान वाला ऐसा चाहिए या मुझे रणवीर सिंह वाला चाहिए. मेरी हमेशा से ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कोशिश रही है कि मैं जो भी कैरेक्टर करूँ, जो भी प्रोजेक्ट करूँ, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम माय लास्ट प्रोजेक्ट. ठीक है. और उससे थोड़ा सा कंफर्ट जोन से अगर बाहर ना भी हो, बट इट शुड बी डिफरेंट. वो चीज मैं दोबारा रिपीट ना करूं. जैसा आपने कहा, चीफ करने के बाद मुझे जितनी स्क्रिप्ट्स ऑफर हो रही थी, मेजॉरिटी सेम कैरेक्टर्स और नेगेटिव कैरेक्टर की आपके सूट करता आप कर लें दोबारा, बट वो चीज मुझे समझ नहीं आती है. एंड आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग लाइट हार्टेड एट दैट टाइम के चीफ और बला दोनों बहुत इंटेंस प्लेस थे. अब कुछ लाइट हार्टेड सा we've modeled this on somebody so you can just follow that as a reference. So what is your I think itna koi difficult nahi hota if you're passionate about it and if you read script properly. Agar aap properly script read karo, hamare bahut actors script properly read nahi karte hain. Agar aap read karte raho properly isko, to aapko wo script or character at times dusra character aapko bata raha hota hai how to perform and how to react, because it's all about reacting. So agar aap properly script ko understanding ho, script ki aap team ke sath ek same wavelength pe ho, आपके को एक्टर्स अगर सपोर्टिव हो, को एक्टर्स भी अगर परफॉर्मेंस को लेके और कैरेक्टर पे होमवर्क करके अगर सेट पे आ रहे हो, तो आई थिंक वो स्क्रीन पे चीज फिर अल्टीमेटली अच्छी आती है. अच्छा, तो आप जो है वो बेसिकली डायरेक्ट उसी कैरेक्टर में घुस जाते हैं कि जो उसका जुमला है या जो उसके एक्शंस हैं, राइट? मैं अब इतना डेप्थ में नहीं सोचता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग. मेरा वो वाला जोन नहीं होता है कि मैं कैरेक्टर में घुस जाऊँ, स्विच ऑन से वो प्रॉपर जोन कैरी कर रहा हूँ, सीन से पहले होने वाला फिल्म को रोके बैठा हूँ. मेरे साथ वो चीज नहीं होती है. लोग करते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं, सबके अपने प्रोसेस होते हैं, अपना तरीका होता है, मगर मेरा मुझसे वो चीज नहीं होती है. बिकॉज अगर मेरा शूट खत्म हुआ है, देन I have to unwind myself. मुझे अब कुछ और करना है. I have to look forward to something else. और वो चीज मैं उस चीज में दोबारा अपने आप को रख नहीं सकता हूँ. तो मेरे लिए it's very simple. I enjoy it. नहीं, okay, so but then what happens when you want to disengage? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम ब्रेक ले लेते हैं, हम कुछ देखते नहीं है, हम फिल्म्स नहीं देखते, हम टीवी की तरफ नहीं जाते, हम उन लोगों से बात नहीं करते जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं. हर बंदे का अपना प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने कहा. तो आप क्या करते हैं जब आपको let's say बला या वजी भी और टुवर्ड्स दी एंड रंगरेजा भी बहुत इंटेंस हो गए थे, आपके प्लॉट लाइन और आपका कैरेक्टर आर्क बहुत इंटेंस था, क्या करते हैं फिर आप? मैं इतना ज्यादा नहीं सोचता, सोचता ही नहीं है, जस्ट लाइक मैं सोचता ही नहीं उतना. मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, कैरेक्टर पे जो बेसिक वर्किंग होती है वो मैं हर एक्टर आई थिंक कर लेता है. बट वो जब आप सेट पे जाते हैं, फ्लो में जो चीजें आप अगर आप एंजॉय कर रहे हो, मैं मानता हूँ अगर आप सिर्फ आपको ये इंटेंशन हो कि आई जस्ट वांट टू गो एंड हैव फन, कोई बैगेज नहीं है कि ये अच्छा जाएगा बुरा जाएगा वो क्या बोलेगा, अगर आप इन चीजों में रहते हैं देन वो परफॉर्मेंस पे भी फर्क आता है. एंड मेरे लिए हमेशा, बिकॉज मैं थिएटर भी जब करता था उस टाइम पे आई यूज्ड टू एंजॉय, और थिएटर के ना पैसे मिलते थे और ना ही थिएटर पे वो आपको नेक्स्ट लेवल आप अपने काम को एंजॉय ना करें तो आई थिंक वो चीज नजर आ जाती है. अच्छा, ये जो एक अब आजकल एक सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पे बहुत इमीडिएट रिस्पांस आ जाता है,
आपका कोई ड्रामा अच्छा लगा, बुरा लगा, आपका कैरेक्टर हिट हुआ, नहीं हुआ, फ्लॉप हुआ, जो भी हुआ, तो इमीडिएटली लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है. एक और जो चीज आजकल आज के हालात में हो रही है वो ये हो रही है कि एक्सक्यूज मी कि लोग बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं अपनी लाइफ को. आपने कहा बहुत एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत एक्टिव हैं, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं चीजें, पोस्ट करते हैं कि हमने ये किया, हमने इसकी हेल्प की, हमने फलां किया, हमने ढिमका किया. आपका क्या टेक है, आपका क्या इसमें पर्सपेक्टिव है, क्या आप बिलीव करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को शेयर करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग जो हैं या सेलिब्रिटी जिनको हम कहते हैं वो लोग हैं जिनकी बहुत बड़ी मास फॉलोइंग होती है, जिनके पीछे को मिलियंस लोग उनकी शक्ल देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है आज. सो अगर आप, क्या आप इस चीज बिलीव करते हैं कि यार अगर मैं भी लेट्स से 10,000 रुपए या 5,000 रुपए या 3,000 रुपए का नोट डालूंगी, जी मैंने ये डोनेट किया है किसी कॉज के लिए, तो क्या आपको लगता है कि ये करना चाहिए, या वो वाला फिलोसफी है आपकी कि नहीं जी इट्स बेटर टू जस्ट कीप क्वाइट अबाउट इट, डू व्हाट यू नीड टू डू बट डोंट शेयर इट, व्हाट इज योर? नहीं, ऑनेस्टली आई स्ट्रांगली बिलीव कि सबकी अपनी सोच होती है, हर एक के पास अपना ओपिनियन है, अपनी राय है, अपनी मर्जी है, जो जो करना चाहे. हम लोग जज बहुत जल्दी करते हैं, और अगर कोई हेल्प कर रहा है और अगर कोई वो पोस्ट भी कर रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो शो ऑफ कर रहा है, और अगर शो ऑफ कर रहा है हमें नहीं पता, एंड हमारे पास ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई राइट नहीं है. जहां तक मेरी अपनी सोच की बात है, मैं इस सोच में बिलीव करता हूँ, अगर आप एक हाथ से हेल्प करो तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए. ये मेरी अपनी सोच है, बट दैट डज नॉट मीन जो पोस्ट कर रहे हैं जो लोगों को, शायद वो एजुकेट करना चाह रहे हो, शायद वो लोगों को ये इनकरेज करना चाह रहे हो हेल्प अदर्स, सबकी अपनी अपनी सोच होती है. एंड आई थिंक बस वो जजमेंट्स थोड़ी कम होनी चाहिए लोगों को लेके. अच्छा बिलाल, टेल मी अबाउट फेम, हाउ हैज फेम हिट यू, एंड नाउ दैट यू आर अगेन लाइक आई सेड डिफरेंट फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर वी स्पोक लास्ट टाइम. बीच में भी हमने एक दफा बात की है, लेकिन उस पॉइंट के बाद आई थिंक बड़े अरसे बाद हमारी गप लगी है. तो बताएं कि अब कैसा लगता है जब उस दिन आपने मुझे एक किस्सा सुनाया था कि जिसमें देयर वाज समबडी एट योर गेट, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स एट योर गेट हु हैड हु क्लैमरिंग टू सी. लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. नो नो, मैं भूल गया कौन सा किस्सा था, मुझे याद भी नहीं. वो ऑन रिकॉर्ड है वो किस्सा, वो तो मेरा ख्याल से काफी लोगों ने सुन भी लिया, क्योंकि वो पॉडकास्ट थी जो मैंने और आपने की थी एक दफा साथ. तो अच्छा बिल्कुल, ओहो रियली, मैं याद दिला देती हूँ. एनीवे ऐसा कुछ हुआ था. अब मुझे बताएं, अब तो हालात और खराब हो गए हैं बल्कि बेहतर हो गए, तो अब क्या हो रहा है? मार्केट में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, डू गेट मॉब, डू पीपल कम टू यू, डू दे टेक सेल्फीज, व्हाट हैपेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल नथिंग हैज चेंज्ड, मेरी लाइफ एग्जैक्टली वही है. मेरे मेरे जो दोस्त स्टार्ट से थे, मेरा जो सर्कल स्टार्ट से था, मेरा आज भी वही सर्कल है. फैमिली मुझे उसी तरह ट्रीट करती है, नो इम्पोर्टेंस. और एग्जैक्टली मुझे आर यू द यंगेस्ट ऑफ द लॉट? नो, आई एम नॉट द यंगेस्ट. मैं बीच में, मेरे मुझसे भी कॉट होता है. ओ, यू आर द मिडिल चाइल्ड, मिडिल वन. या एंड मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिली मिलती, एंड मेरे एक्टर बनने के बाद भी इट्स ऑल सेम. सो नथिंग हैज चेंज्ड. एंड टॉकिंग अबाउट के बाहर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होता है, मैं इतना आउटगोइंग स्टार्ट से नहीं रहा हूँ. इट्स नॉट अबाउट कि आज एक्टर बन गया हूँ, थोड़ी बहुत फेम मिल गई है, तो मैं बाहर जाना पसंद नहीं करता हूँ. मैं आउटगोइंग स्टार्ट से बहुत कम हूँ, और जब अब मैं मॉल्स वगैरह वैसे भी बहुत कम जाता हूँ, तो जब जाता हूँ तो ऑब्वियसली लोगों का जब रिएक्शन देखता हूँ, इट फील्स गुड, मुझे बुरा नहीं लगता. अच्छा. मुझे लोगों के साथ मिलना, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा ये मेरे साथ वो मसाइल नहीं है कि उफ क्यों इतने सारे लोग आ गए, क्या हो गया. आई थिंक हम इस चीज के लिए काम करते हैं, और अगर लोग आपको पसंद कर रहे हैं और अगर आपसे मिलना चाह रहे हो, अगर हम 2 मिनट अगर आप निकाल के किसी को दे देंगे, तो शायद आपके 2 मिनट के बाद उसको शायद जिंदगी भर याद रहेगा कि वो आपका फैन हो. तो ऐसा ही होता है उनके लिए, वो 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. 2 मिनट बहुत होते हैं, सो मैं एंजॉय करता हूँ. अच्छा ये बताओ कि अगर आपको इससे भी बड़ी कोई आप पोजीशन पे अपने आप को देखो कि यार मैं अब यहाँ पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जो आपका नाम बन गया है, इंशाल्लाह आगे मजीद और बनेगा, इसके बाद मेरे लिए क्या, यू नो, सितारों से आगे कौन सा जहां है जो आप, यू नो, जिन पे आप सॉर्ट ऑफ कहते हैं कि यार ये मेरा टारगेट है, मैंने इधर पहुंचना है, मैंने इस फिल्म फेस्टिवल में जाना है, या मैंने ये वाली एक्टिंग करनी है, ऐसी एक्टिंग करनी है, ऐसा रोल कोई करना है, तो क्या कोई है एम्बिशन, कोई सीढ़ी है जो आप क्लाइम करना चाह रहे हैं? नथिंग, मैंने ऑनेस्टली मैंने कभी कुछ प्लान नहीं किया है. मैंने जब काम करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे भी मुझे नहीं पता था कि मैं किस तरह काम करूंगा, क्या कौन से प्रोजेक्ट्स मुझे मिलेंगे, सब कुछ खुद ही होता गया. और टिल डेट मैं इतना सोचना नहीं हूँ, मैं बहुत चल रहा रहता हूँ, एंजॉइंग माय वर्क. अपने मुझे होता है अगर आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल हो और आप अपने काम में ऑनेस्ट हो,
तो वो खुद कहीं ना कहीं रास्ता बन जाता है। अच्छा, मैं एक और चीज ये भी पूछनी चाह रही थी अबाउट प्यार के सदके। आई नो आप इस पे आपने काफी बात की है, लेकिन मैं जब काफी सारे लोगों के रिस्पॉन्सेज देखती हूँ प्यार के सदके के, और मीम्स बन रहे हैं और उसकी पिक्चर्स आती हैं और सारा कुछ, इट्स अ वेरी लाइट रोल, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हैज सो मच। आई थिंक आई रिमेम्बर वन ऑफ द सीन्स वेयर सरवर एंड अब्दुल्ला हैव एन एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, आई थिंक इट्स वन ऑफ द फर्स्ट 3-4 एपिसोड्स में ही कोई है, और जी वो उनकी उनकी जो एक्सचेंज है वो काफी इंटेंस है, और अब्दुल्ला का रिएक्शन जो है वो काफी हार्ट ब्रेकिंग है। सो हाउ डज वन मैनेज द फाइन लाइन बिटवीन कॉमेडी एंड 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 यू नो इंटेंसिटी। आई नो दैट अ गुड एक्टर कैन डू बोथ, बट देन हाउ व्हाट डज अ गुड एक्टर डू, हाउ डज ही मैनेज टू कीप इट। You know, honestly, अब आप मुझे बता रही हैं तो मुझे बड़ा डिफिकल्ट साउंड कर रहा है, बट ना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू एज एन एक्टर्स, और हर ड्रामे में, आई थिंक मैं अपने पर बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक्टर पे बात कर रहा हूँ। हर एक्टर अगर ड्रामा में सिर्फ रो नहीं रहे होते हैं, उनके पास रोमांटिक सीन्स भी कर रहे होते हैं, फिर इमोशनल सीन्स भी होते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन सीन्स होते हैं, तो आई थिंक वी आर यूज टू ऑफ डूइंग इट। और मेरे लिए इतना मैं मॉडर्स नहीं बनाऊ, बट मेरे लिए मुश्किल नहीं होता है ऑनेस्टली। आई थिंक वो टीम के साथ, टीम पे बहुत डिपेंड करता है। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप जिस टीम के साथ काम कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आई हैव बीन लकी, प्यार के साथी की टीम वाज वेरी डेडिकेटेड, दे वर वेरी फोकस्ड, सो द होल टीम इज बी या Okay, that's good to know, and that's also I think great insight for everyone else as well. Let's talk a little bit about जो आजकल हो रहा है coronavirus से related. पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, तो पूरी दुनिया जो है वो एक 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 चैलेंज को फेस कर रही है। तो आप ये बताएं कि इस वक्त कुछ रिसेंटली कुछ ये भी हुआ कि आर्टिस्ट जो हैं उनको रोका गया कि जी फलां लोग फलां के साथ ना बात करें, ऑनलाइन भी बात ना करें, ये एक खबर चल रही थी। अगर आप जो हमारे देखने वाले हैं अगर उन्होंने ये खबर ना फॉलो की हो तो आप गूगल कर सकते हैं, इस तरह के कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई हैं। आपका क्या टेक है बींग एन आर्टिस्ट, आप क्या फील करते हैं? पाकिस्तानी इंडस्ट्री वो भी अब ग्लोबल हो गई है, सब कुछ ही ग्लोबल हो गया थैंक्स टू ऑनलाइन एंड डिजिटल मीडियम्स एंड एवरीथिंग। तो आपका क्या टेक है इसमें आर्टिस्ट बतौर आर्टिस्ट एंड एज अ पाकिस्तानी एज़ वेल? अच्छा, कीपिंग ऑल पॉलिटिकल थिंग्स असाइड, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों को मैंने कभी अंडरमाइन नहीं किया, एंड आई थिंक हमारे ड्रामों की बहुत मैसिव व्यूअरशिप है, नॉट इवन इन पाकिस्तान, आपके ड्रामे देखे हैं अक्रॉस द बॉर्डर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो जब हम यहाँ से बैठ के हमारा कंटेंट वहाँ सर्व कर रहे, तो मैं किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट करके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहते हैं इस बात पे, सो आई पर्सनली थिंक दैट आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, और इसको लिमिट भी नहीं करना चाहिए वो पॉलिटिक्स के साथ, और इन चीजों के साथ लिंक भी नहीं करना चाहिए। बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, जब हम इन चीजों के बारे में बात करते हैं पॉलिटिकल चीजें आ जाती हैं, रिलीजन बीच में आ जाता है, तो सबसे सॉफ्ट टारगेट्स आपके आर्टिस्ट होते हैं जिनको टारगेट किया जाता है, इधर बैन किया जाता है या फिर उनको क्रिटिसाइज किया जाता है किसी बात पे। तो बट हैविंग सेड दैट, आई strongly believe that art has no boundaries. वो लोगों की अपनी सोच है, लोग जिस तरह सोचते हैं, आप मैं यहाँ से बैठ के पूरी दुनिया की सोच नहीं बदल सकता हूँ, लोगों के अपने सोचने का तरीका है, चीजें वैसी होंगी जैसे माहौल चल रहा है। लेकिन आप personally, yeah, but आप personally believe करते हैं कि artist जो हैं वो globally होता है हमेशा? जी हाँ। अच्छा बिलाल, ये बताओ कि आजकल के जो आप जैसे लड़के हैं जो कि कहते हैं कि यार हमने पिछला रोल इस वाले से डिफरेंट करना है, आपने वजी जैसा कैरेक्टर किया विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी, एंड मैं बहुत अरसे तक यू नो उस चीज को नहीं पकड़ पाई थी कि ये ऐसा निकलेगा बंदा, नहीं यार ये तो नहीं हो सकता लड़का, ये तो ये काम नहीं कर सकता ना, ये तो पॉसिबल ही, ये तो हीरो है, क्यूट है, चॉकलेटी रोल्स करता है। सो दैट वॉज लाइक अ बिग सॉर्ट ऑफ अ धचका फॉर सो मेनी व्यूअर्स लाइक मी। Yeah. I want to ask you because this is very different from the kind of generation of heroes we have seen before. I'm not just talking about Pakistan, I'm talking about South Asia and in specifically South Asia, but generally, you know, with the cute guy, the good looking guy, the hero guy, the young guy who's trying to make it in the industry, he'll always prefer doing nicer, better roles in order to gain that fandom, you know, he wants to. But you've not done that. I have noticed that you've always sort of pushed the boundary, you've pushed the envelope, you've tried to do something different every time and you've succeeded, and yet still you have that loyal fan base
of people who consider you a hero. So you've kind of been an anti-hero, but you've also been a hero. So tell me about that. Tell me, was it planned? Was there any part of it? I strongly believe that first thing, that the time has changed. Okay. वो वक्त बदल गया थोड़ा सा, and not even in Pakistan, across the border. लोगों में अब समझ है, they people do understand the process of character making. And वो खुद चाहते हैं to see something new. वो खुद थक चुके हैं एक ही चीज़ बार-बार देखने से. And ये जो आप hero वाली बात कर रही हैं, when I started working, I was actually told this के don't do any negative character. And they do say this. Characters. They say this to actresses. They say this. Yeah. I was told this. Ke, just stick to chocolate hero or commercial type characters. आगे आपको succeed आगे आप लेके जाते हैं. But and in, even cheek करते हुए, I was told that don't do cheek because negative करोगे you'll get typecast and एक दफा negative कर लिया, no one will even consider you as a hero after that. But ये सोच मेरी सोच से थोड़ी मुख्तलिफ है. I strongly believe that अब लोग बदल चुके हैं, character लोग इस चीज को understand करने लगे हैं. हम इतने web shows देख रहे होते हैं, web series देख रहे होते हैं, I think उसमें हम लोगों को इतने characters नजर आ रहे होते हैं. और आपके ड्रामों में भी अब we have a lot of good actors. मैं हमारे पास बहुत अच्छा talent है, हमारी हमारे पास बहुत अच्छी actresses हैं, हमारे male actors कितने अच्छे हैं, जो young lot में कितने अच्छे अच्छे performers हैं. So I think the time has changed. अब थोड़ा सा लोग acting देखना variety चाहते हैं, variety देखना चाहते हैं, आपकी range देखना चाहते हैं as an actor कि आप क्या 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 pull off कर सकते हो. और and मैं कोई out of the box चीज नहीं कर रहा हूँ. I think that's what we are supposed to do as an actor कि आप different characters करो. अगर आप एक ही character करते रहोगे तो फिर आप किस बात के actor? वो कितने डिफरेंट हैं जो आपने आगे के प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले हैं, जो कि ऑब्वियसली सब कुछ इस वक्त स्टॉल हुआ हुआ है, तो आई एम श्योर वो भी उसको भी कहीं डिले फेस होगा, लेकिन अभी प्यार के सबके चल रहा है, तो इसके बाद व्हाट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू, और वो किस तरह डिफरेंट होगा फ्रॉम अब्दुल्ला और वजी और कासिम और एनी ऑफ द अदर रोल्स दैट यू प्ले? माय नेक्स्ट कैरेक्टर इज वेरी वेरी different from Vajji, Abdullah or Qasim or any of these characters. And jo jis team ke saath main kaam kar raha hu wohi jinhone Bala, Cheekh, Aisiyat and Hai jinhone kiya tha. Badr Mahmood is directing. I know Badr. I'm working with Numan Ajaz. Isme Numan Ajaz hain. This is my fourth project with Numan bhai. And I'm really excited to work with him again. I'm working with Amna Sheikh for the first time. I've been her fan. बहुत टैलेंटेड है वो, उनके साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करूंगा. आई विल बी वर्किंग विद सना जावेद फॉर द फर्स्ट टाइम, और सना और मेरा ट्रैक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. द स्टोरी इज रियली गुड. द स्टोरी इज वेरी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम चीख, बट जॉनरा चीख वाला ही है. इट्स मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर सॉर्ट ऑफ जॉनरा, वो फील है. बट इट्स रियली अमेजिंग एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. ये आई वाज सपोज्ड टू स्टार्ट शूटिंग मिड मार्च में और अप्रैल में, मगर डिले हो गया लॉकडाउन की वजह से. जी, दुआ करें खत्म हो, इंशाल्लाह स्टार्ट. इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स. तो कोई और जो भी आप कोई वेब सीरीज या डिजिटल के लिए कुछ बना रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, या क्या दिमाग में है कि, क्योंकि डिजिटल का ऑडियंस डिफरेंट है जो टेलीविजन की ऑडियंस से, इवन सिनेमा की ऑडियंस से, हमें लगता है कि वो सेम है, लेकिन कुछ है अलग डिजिटल की ऑडियंस में, वो कोई अलग चीज मांगती है. तो कुछ है प्लान में, कोई किटी में कोई चीज है, या कुछ सोच में है कि यार ये चीज करना चाहिए डिजिटल? मैं चीज कुछ टाइम पहले, अभी अगर ये सब सिचुएशन ये नहीं होती तो मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगा था फॉर डिजिटल. एंड मैं उसमें एक्ट नहीं कर रहा था, वाज प्रोड्यूसिंग इट, और मैं उसको क्रिएट करना चाह रहा था एक डिजिटल के छोटी-छोटी शॉर्ट फिल्म्स. बट मेरा प्लान है कि मैं डिजिटल मार्केट में, बिकॉज़ आपकी ऑडियंस डिजिटल एक डिफरेंट चीज देखना चाहती है, और आपके पास ऑडियंस भी है. ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है देखने वाले, लोग हैं देखने वाले. और जैसे इंशाल्लाह खत्म होगा, आई विल गेट बैक टू इट. एंड मेरा यही दिमाग में है कि डिजिटल के लिए आई विल क्रिएट समथिंग, क्योंकि आपके पास एक लिबर्टी भी होती है, क्रिएटिव लिबर्टी होती है, दैट आप यू आर फ्री टू शो व्हाटएवर यू वांट टू, नॉट दैट एक कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए, बट वो एक लिबर्टी आपके पास होती है. बहरहाल एक बाउंड्रीज थोड़ी सॉफ्टर हैं डिजिटल की. जी हां, जी हां.
अच्छा बिलाल, जस्ट रैपिंग अप अ फ्यू बेसिक थॉट्स हियर, एंड देन उसके बाद मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एंड आई होप दैट यू जी जी हैव फन आंसरिंग इट. सॉर्ट ऑफ लाइक नॉट रियली अ रैपिड फायर, बट काइंड ऑफ लाइक अ रैपिड फायर. जस्ट ओके रैपिंग अप, आई वॉन्ट टू आस्क यू के कुछ चीजें हमारी जिंदगी में हमें दी जाती हैं, हमारा टैलेंट होता है. कुछ चीजों के लिए हम हार्डवर्क करते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारा हार्डवर्क दिखे जब हम कहीं पहुंचे. तो एक्टिंग के हवाले से, पाकिस्तान में सक्सेसफुल होने के हवाले से, कोई एक ऐसी चीज है जो आप कहें कि यार अगर मैंने, लेट्स से इफ आई बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल गाय हु हैज गिवन द मोस्ट हिट्स, देन आई विल कंसिडर माई सेल्फ दैट, और आई हैव एक्टेड इन 20 फिल्म्स एंड आई विल बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल. डू यू हैव अ बैरोमीटर फॉर दैट? नो ऑनेस्टली मैंने ऐसा कोई माइंडसेट मेरा नहीं है, और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ एक आपका प्लान होता है और एक ऊपर वाले का प्लान ऊपर होता वाले का प्लान होता है, और आप अपनी साइड से ऑल यू कैन डू इज जस्ट है. गिव योर बेस्ट एंड बी 100% ऑनेस्ट टू इट. और मैं अगेन मैं बोलूंगा, आपको लगता है मैं बहुत मॉडेस्ट होकर बातें करता हूँ, मैं मॉडेस्ट होकर नहीं बोल रहा हूँ. ये मैं एक्चुअल में अपनी लाइफ पे चीज अप्लाई करता हूँ, कि मैं आई बिलीव कुछ यू. प्लान नहीं करता हूँ ना, मैं कुछ आगे की कुछ स्ट्रेटेजीज वगैरह होती हैं. आई थिंक अगर आप ऑनेस्ट हो एंड आप दिल से काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, नॉट इवन इन एक्टिंग, तो कामयाबी मिल जाती है. दैट्स अमेजिंग. थैंक यू सो मच गाइस. स्टे ट्यून्ड फॉर अ रैपिड फायर. हम ये थोड़ा सा सीरियस स्लैश फन इंटरव्यू हमने ये रखा है. विल बी बैक विद अ रैपिड फायर. थैंक यू सो मच एंटिल देन. फॉर अ मोमेंट जस्ट वेट गाइस. थैंक यू सो मच बिलाल फॉर ज्वाइनिंग मसाला, एंड वी विश यू ऑल द थैंक बेस्ट, यू, एंड वी विश यू थैंक यू. लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट यू गाइस दैट यू कैन डू, एंड वी होप दैट द लॉकडाउन एंड सून एंड यू गो बैक टू योर प्रोजेक्ट्स. इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह. इंशाल्लाह.